अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार में शुरू बयानबाजी का दौर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी से अनुरोध करते हुए कहा है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसका ख्याल रखें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर अरुणाचल प्रदेश की घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। बिहार में एनडीए के घटक दल हम के प्रमुख मांझी ने लिखा, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वो स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। मांझी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को कमजोर समझने वालों को शायद नहीं पता कि हम भी मजबूती से उनके साथ हैं। अब उल्लेखनीय है कि बिहार में की एनडीए सरकार में जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी शामिल है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना संक्रमित होने के बाद से पटना के एम्स में भी भर्ती है, वो अभी भी इलाजरत हैं और लगातार उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मांझी ने कहा है कि मेरी सेहत में सुधार है और मैं जल्द ही आप सबों के बीच होऊंगा। तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में जा मिले, इसकी निंदा करते हुए हम के प्रमुख जीतन मांझी ने बीजेपी से यह अनुरोध किया है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसका ख्याल रखें। और साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी अपनी बात कही है और उनके प्रति भी अपनी बात जाहिर की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार के साथ हम खड़ा है।